अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अमाइनो एसिड्स के बारे में। अमाइनो एसिड्स विच आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। पेप्टाइड लिंकेज होती है, पेप्टाइड लिंकेज होती है अमाइनो एसिड के बिटवीन, जिससे प्रोटीन बनता है। थाउजेंड पेप्टाइड लिंकेज होती हैं। सो आज हम बात करेंगे सिर्फ अमाइनो एसिड की डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन ओनली, और उसकी असेंशियल जो अमाइनो एसिड्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं, जो डेफिनेशन है इसकी, दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर कंटेन्ड अमाइनो ग्रुप NH2, अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्साइल ग्रुप COOH। अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जिसमें एक क्या होता है, अमाइनो ग्रुप, और दूसरा कार्बोक्साइल ग्रुप, एंड आल्सो साइड चेन और सेंट्रल जो एटम होता है वो होता है कार्बन, सेंट्रल एटम। सो अगर हम बात करें कैटेगराइज की, तो सेंट्रल कार्बन एटम बी ए कार्बो ऑक्साइल ग्रुप एन अमाइनो ग्रुप डी ए साइड चेन। अगर इसको हम आर कहेंगे, और ये जो कार्बोक्साइल होता है COOH, अमाइनो NH2। ओके, अगर हम जनरल फार्मूला की बात करें, जनरल फार्मूला क्या होता है इसका, ये हो गया सेंट्रल एटम कार्बन, उसके साथ अटैच होगा क्या COOH कार्बोक्साइल ग्रुप, और अमाइनो NH2 होगा, और यहां पे साइड चेन होगी, साइड चेन जिससे जिसको हम आर से जाहिर कर रहे हैं, और ये इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। तो देखें, ये जो है ये है अमाइनो ग्रुप, अमाइनो, और ये जो है वो क्या है, कार्बो ऑक्साइल। क्या हो गया, कार्बो ऑक्साइल अमाइनो ग्रुप, ये सेंट्रल कार्बन और ये साइड चेन, इसको क्या बोलेंगे हम, साइड चेन। सो एग्जाम्पल लेते हैं हम किसका, कोई किसी भी अमाइनो एसिड का एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर वन, HC, और ये साइड चेन जो है वो क्या है, ये R हो गई यहां पे, R इज इक्वल टू H, ये H कार्बो ऑक्साइल ग्रुप NH2, ये हो गया आपका ग्लाइसाइन। क्या हो गया ये आपका ग्लाइसाइन। ओके, इसको हम क्या कहेंगे, ग्लाइसाइन। नंबर टू अगर लेते हैं, CH2, CH, COOH, और ये हो गया आपका यहां पे NH2, इसको हम कहेंगे एलेनिन, इसको हम बोलेंगे क्या, एलेनिन। ठीक है, तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, और इसमें क्या क्या होता है, ये हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी, असेंशियल अमाइनो एसिड्स की। असेंशियल अमाइनो एसिड्स जो हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, उनके पास चलते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, हम अब चलेंगे असेंशियल अमाइनो एसिड्स के तरफ। ठीक है, सो असेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से हैं हमारे,
एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स भी हैं मगर इनका जिक्र नहीं है, इसलिए हम एसेंशियल अमाइनो एसिड्स पढ़ेंगे। एसेंशियल अमाइनो एसिड से जो हमारी बॉडी साइंथेसाइज ना कर सके, जो हम बाहर से ले सकें फूड की मदद से, फूड में से ले सकें प्रोटीन की सूरत में वगैरह, जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनको। सो क्या जो दीस आर नॉट साइंथेसाइज्ड बाय अवर बॉडी। ओके, अप टू 10 अमाइनो एसिड्स हैं, कौन से जो असेंशियल हैं, 10 अमाइनो एसिड्स। और जो अमाइनो एसिड्स, ये असेंशियल अमाइनो एसिड्स आप हमारी बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोटीन्स के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए हैं, हमारी ग्रोथ के लिए हैं। और हमारी और जो ये कुछ अमाइनो एसिड्स किसके लिए, जो नाबालिग होते हैं, इन्फेंट्स मतलब नाबालिग, इमेच्योर, उनके लिए होते हैं। और बॉडी ग्रोथ के लिए जो हमारी स्किन है या मसल्स हैं उनको रीबिल्ड करने के लिए अमाइनो एसिड्स की जरूरत पड़ती है, जो हम फूड की मदद से लेते हैं। यहाँ पे 10 अमाइनो एसिड्स हैं, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे याद कर रहे हैं ये 10 अमाइनो एसिड्स। उनको हम बोलते हैं ट्रिक के, इनके बारे में ट्रिक याद कर लेना, ले मी आर इज दे दी वे, ले मी आर इज द वे। ये जो पहले लेटर्स हैं 10 अमाइनो एसेंशियल एलिमेंट्स के, अमाइनो एसिड्स के, सॉरी 10 असेंशियल अमाइनो एसिड्स, ले मी आर इज द वे, हिज हैज ट्राई फेन ली, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गए 10 अमाइनो एसिड्स। ये पहला लेटर है कौन से, पहले वाले का ले, ले मतलब ल्यूसाइन, ल्यूसाइन। नंबर सेकंड एम ई, मिथियोसाइन, मेथियो नाइन। और जो थर्ड है, थर्ड क्या है, आर, आर मतलब आर्गे नाइन। नंबर फोर आइसो ल्यूसाइन। नंबर फाइव के क्या है, डी थी, थ्रियोनाइन, टी एच आर ई ओ एन आई एन, थ्रियोनाइन नंबर फाइव। नंबर सिक्स वेलिन। नंबर सेवन पे क्या है, हिस्टिडाइन, याद कर रहे ना ये ट्रिक के, लेमी आर इज द वे हिज ट्राइफेनली, लेमी आर इज द वे हिज ट्राइफेनली। ये ट्रिक है अमाइनो एसिड्स को याद करने की, हिस्टिडाइन हो गया हिज ट्राई, ट्रिप्टोफेन नंबर एट, ट्रिप्टोफेन, ये हो गया आपका ट्रिप्टोफेन एट। अब आगे फेन मतलब फिनाइल एरोमेटिक अमाइनो एसिड नंबर नाइन, फिनाइल एल नाइन, ये नाम है इसका, फेनली मतलब फिनाइल एलनीन। नंबर टेन पे है आपका ली, लाइसाइन,
ये हो गए आपके एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, दिस आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी, ये हमारी ग्रोथ के लिए होते हैं जो, और इनको यूज किया जाता है हमारी बॉडी के जरिए, अमाइनो एसिड को प्रोटीन में कन्वर्ट किया जाता है हमारी बॉडी के थ्रू। ओके, सो ये एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स अकॉर्डिंग टू देयर न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक। ओके, ये ट्रिक है, लेमियोर इज द वे हैज ट्राइफेनली। ओके, दीज आर 10 अमाइनो एसिड्स व्हिच आर एसेंशियल फॉर अवर बॉडी। ओके, सो नाउ क्लासिफिकेशन, हम क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशन अबाउट देयर क्या, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। अब क्या है इसमें, जो न्यूट्रल होंगे उनमें एक अमाइनो ग्रुप होगा जो बेसिक है। लेविस के मुताबिक अमाइनो ग्रुप जो है उसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर की मदद से वो कार्बोक्सिल ग्रुप वाला जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सी डबल ओ एच, उसको एक्सेप्ट कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, याद कर सकते हैं, याद कर लें, ठीक है। सो क्लासिफिकेशन न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक। न्यूट्रल में अमाइनो ग्रुप एक होगा और कार्बोक्सिल ग्रुप भी एक होगा, जैसे आपका ग्लाइसिन है, एलेनिन है, हम ग्लाइसिन की बात कर रहे हैं, सी एच टू, यहाँ पे एन एच टू हो गया, यहाँ पे सी डबल ओ एच हो गया। यहाँ पे देखें एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, एक आपका अमाइनो ग्रुप है, ये बेसिक है, ये एसिडिक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल, क्योंकि यहाँ पे ये भी एक है, ये भी एक है, इसलिए इसको हम न्यूट्रल कहेंगे, इसका नाम है ग्लाइसिन। ओके, चलो अब इस पे चलते हैं। ये देखें एसिडिक है, अगर ये एसिडिक है, ये एसिड है, तो एसिडिक में क्या होगा, जो सी डबल ओ एच है वो दो होंगे, क्या होंगे, दो होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, देखें सी डबल ओ एच सी एन एच टू, ये अमाइनो ग्रुप एक हो गया और सी डबल ओ एच क्या होगा, दो होंगे, क्या होंगे, ये सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी डबल ओ एच, क्या हो गया, ये देखें दो, एक ये दो हो गया, कार्बोक्सिल ग्रुप क्या हो गए, दो हो गए, और यहां पे आप एच ले सकते हैं, ठीक है, ये वैलेंसी पूरी करने के लिए कार्बन की, तो यहां पे देखें ये एक कार्बोक्सिल ग्रुप और अदर कार्बोक्सिल ग्रुप, एसिडिक में क्या होंगे, मोर देन वन कार्बोक्सिल ग्रुप होंगे, मगर अमाइनो ग्रुप एक होगा, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहेंगे, एसिडिक कहेंगे। चलो बेसिक पे चलते हैं, आप समझ तो गए होंगे कि अगर एसिडिक में कार्बोक्सिल ग्रुप दो हो रहे हैं तो एसिडिक हो रहा है और अमाइनो ग्रुप एक हो रहा है, तो बेसिक में क्या होगा, बेसिक में क्या होगा कि अमाइनो ग्रुप मोर देन वन होंगे मगर कार्बोक्सिल ग्रुप वन होगा। तो यहां पे आते हैं, हम बात करते हैं लाइसिन की, क्या बात करते हैं, लाइसिन की सी डबल ओ एच, ये एक हो गया, ठीक है, तो सी सेंट्रल एटम एन एच टू, यहां पे एच दे दें इसको, यहां पे आ गया हमारा सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच टू, और ये एन एच टू दूसरा हो गया। देखें इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप एक है, कार्बोक्सिल और दूसरा दो हो गए, जिसकी वजह से हम इसको एसिडिक बोल रहे हैं, क्या, इसकी वजह से हम इसको एसिडिक बोल रहे हैं, और यहां पे देखें ये भी एक है और ये भी एक है, इसलिए हम इसको न्यूट्रल बोल रहे हैं, और इसमें देखें एक कार्बोक्सिल ग्रुप है ओनली वन, मगर एन एच टू कितने हैं, दो हैं,
जिसकी वजह से हम इसको बेसिक बोल रहे हैं। ये सारा अमाइनो एसिड के बारे में था, जिसमें हमने डेफिनेशन पढ़ी, उसकी उसके एसेंशियल अमाइनो एसिड्स पढ़े और उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी, किसके बेस पे, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। सो अल्लाह हाफिज़।